बुधवार की सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री आवास में सत्ता पक्ष के विधायकों की बैठक होगी। बैठक में जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी सहित इंडी गठबंधन के विधायक शामिल होंगे। इस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी शामिल होंगे। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन का जेल से बाहर निकलना और बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बैठक में गठबंधन दल के कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। और इधर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने हेमंत सोरेन को फोन पर उनका हालचाल जाना। साथ ही सोनिया गांधी ने झारखंड की वर्तमान राजनीतिक हालात पर भी हेमंत सोरेन से चर्चा की। तो बुधवार की सुबह 11 बजे ये अहम बैठक होने जा रही, जिसमें जेएमएम के अलावा इसमें इंडी गठबंधन में शामिल तमाम जो सहयोगी दल है उसमें शामिल होंगे आरजेडी, कांग्रेस, जेएमएम के। ये बड़ी बैठक मानी जा रही है और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल होंगे और इंडी गठबंधन के जो सभी विधायक हैं वो इस बैठक में शामिल होंगे। रणनीति पर चर्चा होगी और कांग्रेस के अगर प्रभारी की बात की जाए तो गुलाम अहमद मीर वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। और इसी खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए रांची से संवाददाता राहुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राहुल, कल सुबह 11 बजे ये बड़ी बैठक मानी जा रही है इंडी गठबंधन की, तीनों दलों के बड़े नेताओं की मौजूदगी होगी, क्या लगता है कि क्या रणनीति पर काम चल रहा है और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन भी इस बैठक में मौजूद होंगे? जेल से निकलने के बाद राजनीतिक सरगर्मी झारखंड की बढ़ी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जैसे ही जेल से बाहर आए तमाम तरह के कयासों पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है सत्ता परिवर्तन हो, नेता बदला जाए, लेकिन कल जो विधायक दल की बैठक जेएमएम की ओर से या कह सकते हैं कि इंडी गठबंधन की जो बैठक रखी गई है उस बैठक को लेकर एक तरह से कह सकते हैं कि तैयारियां पूरी कर ली गई है। और कल जो 11 बजे से बैठक होगी उस बैठक में सबसे बड़ा कह सकते हैं कि चर्चा का विषय है कि जो विधानसभा चुनाव राज्य में होने हैं उस राज्य में विधानसभा चुनाव की क्या कुछ रूपरेखा होगी, क्या रणनीति होगी, उस पर बातें होंगी। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से कार्यक्रम मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के रद्द किए गए हैं उस कार्यक्रम रद्द करने को लेकर क्या कुछ पीछे कारण रहा। हालांकि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा है, इसके वजह से सभी कार्यक्रम रद्द किए गए हैं। लेकिन जिस तरीके से बैठक थोड़ी जल्दीबाजी में रखी गई उस बैठक को लेकर जो कयास लगाए जा रहे हैं उस कयास में क्या कुछ निकल कर सामने आएगा अभी कह पाना थोड़ा सा मुश्किल है। राहुल, चूंकि कई सारे अगर बातों के यहाँ कि कल नियुक्ति पत्र का समारोह भी रखा गया था ध्रुवा मैदान में, उसे भी कैंसिल किया गया। कल अहम बैठक है, तीनों दलों के बड़े नेताओं की बैठक है। ये तीन दल जो झारखंड की सरकार में है, अगर बात की जाए हेमंत सोरेन की तो कयासों का दौर भी लगातार चल रहा है कि क्या हेमंत सोरेन एक बार फिर से झारखंड की कमान अपने पास ले सकते हैं, क्या इस तरह की कोई अटकलें भी चल रही है क्या? देखिए, अभी तक कुछ साफ निकलकर सामने नहीं आया है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर नया चेहरा बनाया जाएगा। हालांकि लगातार नेताओं का कहना है, गठबंधन के नेताओं का, रामेश्वर उराव जो वित्त मंत्री, उनका भी कहना है कि 3 महीने से 4 महीने चुनाव राज्य में बचे हैं राज्य विधानसभा के, वैसे में इस तरह का निर्णय लेना ठीक नहीं होगा और हमें चुनाव की तैयारी करना चाहिए। चुनाव में जो हमें लोगों का समर्थन, जनता का समर्थन मिलेगा उसके बाद चेहरा तय करना चाहिए। तो एक तरह से कह सकते हैं गठबंधन के नेताओं का मानना है कि इस तरह का कोई निर्णय फिलहाल नहीं लिया जाएगा, लेकिन हमें कह सकते हैं कि आने वाला जो समय है उसमें क्या कुछ निर्णय होगा ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन जो कल की बैठक है, कल की बैठक गठबंधन के लिए काफ़ी खास है, अहम है। अगर विधानसभा चुनाव को लेकर भी उस बैठक में चर्चा होती है तो हम कह सकते हैं कि विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनेगी। हालांकि उसके साथ ही 2 मंत्री पद सरकार में खाली है, उस मंत्री पद को भरने की भी चर्चाएं हो सकती है। कयास कई तरीके के लगाए जा रहे हैं, कयासों पर कि इस बैठक में किस तरह के निर्णय लिए जाते हैं और ये फैसला क्या कुछ होता है वो कल की बैठक को लेकर अब तक लगातार जो अभी से इंतजार करना होगा कि कल क्या होने वाला है इस बैठक के बाद। फिलहाल शुक्रिया राहुल खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।